जिले में पिछले 4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। शनिवार 22 जुलाई को कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी हुई। पूरा दिन बादल छाए रहे, परंतु लगातार तेज बारिश रुकने से जिला वासियों ने राहत की सांस ली। लगातार हुई बारिश से जिले की सभी नदियों तथा नालों का जलस्तर बढ़ा है, परंतु बाढ़ जैसी कोई स्थिति नहीं है, ऐसा जिला आपदा प्रबंधन की ओर से स्पष्ट किया गया है। मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार जिले में पिछले 4-5 दिन से तेज बारिश का सिलसिला जारी था। शनिवार 22 जुलाई को सुबह के दौरान हल्की बूंदाबांदी तथा रुक रुक कर हल्की फुहारे बरसी। बारिश का सिलसिला दोपहर से थमता नजर आया। हालांकि 26 जुलाई तक जिले में जिला प्रशासन ने येलो अलर्ट जारी कर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। इस बीच वैनगंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से काफी नीचे यानी 242.83 मिलीमीटर दर्ज किया गया है। खतरे का निशान 245.50 मिलीमीटर है। गोसीखुर्द बांध के 15 गेट खोलकर कुल 1799.19 क्यूमिक्स पानी छोड़ा जा रहा है। जिला प्रशासन ने नदी नालों के पास से आवाजाही करने वाले ग्रामस्थों को सावधान रहने की चेतावनी दी है। साथ ही बाढ़ जैसी स्थिति न होने से अफवाहों की ओर ध्यान न देने का आह्वान जिला प्रशासन प्रबंधन की ओर से किया गया है। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है, अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।